नमस्कार दोस्तों, वन प्लस नॉर्ड से E4 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और ये फोन लॉन्च होगा अमेजन के एप्लीकेशन पर। इस फोन में क्या कुछ मिलेगा और कब लॉन्च होगा, इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, वन प्लस नॉर्ड से E4 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जिसका मेंशन हो चुका है अमेजन के एप्लीकेशन पर। ये फोन काफी अच्छा होने वाला है, स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ा दिया गया है इस फोन में। क्या कुछ है सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे इस फोन का लुक। ये फोन देखने में काफी इंटरेस्टिंग है और इसका जो बैक लुक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पर देख पाओगे। और ये फोन दो कलर के साथ आने वाले हैं, दोनों कलर काफी सही है। तो लुक एंड डिजाइन के मामले में ये फोन काफी सही है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे। और स्पेसिफिकेशन भी इस फोन में काफी तगड़ा दिया गया है। हालांकि ये फोन आता है फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही, लेकिन स्पेसिफिकेशन काफी भर के दिया गया है। इस फोन में आपको प्लास्टिक का ही फ्रेम मिलता है, लेकिन फ्रंट और बैक दोनों में ग्लास का यूज किया गया है, जिसके चलते ये फोन काफी प्रीमियम आपको लगेगा। तो लुक एंड डिजाइन के मामले में ये फोन काफी सही है। अगर हम बात करें कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो वन प्लस नॉर्ड से E4 5G स्मार्टफोन है। इस फोन में आपको मिलता है 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बेजल्स काफी पतले होंगे जो कि देखने में काफी सही लग रहा है। तो डिस्प्ले इस फोन में आपको काफी तगड़ा मिलने वाला है। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो पीछे साइड से आपको मिलेगा AI ट्रिपल कैमरा, जहां पर 50MP का मेन कैमरा जो कि आता है OIS के साथ, उसके बाद 8MP का अल्ट्रा वाइड है, फिर 2MP का माइक्रो कैमरा और फ्रंट में होने वाला 16MP का सेल्फी कैमरा जो कि आएगा सेंटर टेनी पंचोल के साथ। तो कैमरा सेटअप भी इस फोन का सही है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको लगा हुआ मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Plus Generation 3, जिसका ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुका है, आप यहां पर देख पाओगे। फोन के साथ प्रोसेसर को मेंशन किया गया है और ये आता है LPDDR5X RAM के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। 5G फोन है तो आपको मिलने वाला है अप टू 13 5G के बैंड। तो परफॉर्मेंस आपको इस फोन में काफी अच्छा मिलने वाला है। उसके बाद इस फोन में आपको मिलेगा 5500 mAh का बैटरी जो कि आने वाला है 80W चार्ज सपोर्ट के साथ और ये चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने वाला है, डुअल स्पीकर के साथ ये फोन आएगा, हेडफोन जैक नहीं होने वाला है, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट होने वाला है, एलर्ट स्लाइडर भी इस फोन में दिया गया है, NFC का भी सपोर्ट होने वाला है, प्लास्टिक का फ्रेम है लेकिन ग्लास बैक आपको मिलने वाला है, आयर ब्लास्टर भी इस फोन में होने वाला है, एंड्रॉइड 14 पर ये फोन आने वाला है जो कि बेस्ड होगा लेटेस्ट ऑक्सीजन OS पर। बाकी जो लुक एंड डिजाइन है उसे आप यहां पर देख पाओगे। ये फोन दो कलर के साथ आने वाले हैं और इस फोन का लुक एंड डिजाइन काफी सही लग रहा है, मतलब सैमसंग के फोन के जैसा इसका बैक लुक है जो कि देखने में काफी सही लग रहा है। तो फोन का स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ा है और जो फर्स्ट लुक वगैरह है उसे आप यहां पर देख पाओगे। अगर हम बात करें इंडिया लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में, तो ये फोन लॉन्च होने वाला है अमेजन के एप्लीकेशन पर जिसका मेंशन हो चुका है। ये फोन अमेजन के एप्लीकेशन पे लॉन्च होने वाला है 1 अप्रैल को, जिसके यहां पर मेंशन किया गया है, और 6:30 बजे शाम में ये फोन लॉन्च होने वाला है अमेजन के एप्लीकेशन पर 1 अप्रैल को। तो फोन काफी तगड़ा है, स्पेसिफिकेशन भी काफी सही है और लुक एंड डिजाइन भी इस फोन का काफी प्रीमियम टाइप का है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इस फोन का प्राइसिंग होने वाला है 30,000 के राउंड। अगर ये फोन डिस्काउंट बड़ा करने के बाद 25,000 के राउंड में आ जाता है तो काफी बेस्ट हो सकता है। आप इस फोन को लेकर कितना इंटरेस्टेड हो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद।